आपका टारगेट विद्रमेश्वर में स्वागत है। यूपीपीएससी प्री रिजल्ट 2022, यूपीपीएससी प्री रिजल्ट 2022 इस तारीख को आएगा। और दूसरी अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव का तबादला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव का तबादला। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी ऑथेंटिक अपडेट मिस ना करना चाहते हो तो आइए शुरू करते हैं। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव का तबादला हो गया है। श्री जगदीश को अब इनका तबादला कर दिया गया है। ये विशेष सचिव आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश शासन बनाए गए, इनका ट्रांसफर हो गया है, तबादला कर दिया गया है। और नए सचिव आपके श्री खेम पाल सिंह नए सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं। ये पहले अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक प्रशासन सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश थे, जिनको अब सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज बना दिया गया है। फाइनली आपके सचिव बदल दिए गए हैं। जो पूर्व के सचिव थे वो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन स्केलिंग को लेकर काफ़ी विवाद में रहे, कार्यकाल उन्होंने पूरा ही कर लिया और फाइनली उनका तबादला हो गया है। नए सचिव देखते हैं क्या प्रगति, क्या लोक सेवा आयोग में क्या प्रगति करते हैं। दूसरी बात है यूपीपीएससी के प्री रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीपीसीएस का प्री रिजल्ट का जो यूपीपीसीएस प्री रिजल्ट 2022 मूलतः देखा गया है कि लोक सेवा आयोग 35 से 40 दिन में रिजल्ट घोषित कर देता है प्री का, और ये टाइम भी पूरा हो रहा है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट आने वाला है, 20 से 25 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, यूपीपीसीएस का 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा सूचना मिल रही है कि 20 से 25 जुलाई के बीच में आप लोगों को यूपीपीसीएस प्री का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेंस की तैयारी में लगे रहिए, आपका सितंबर में मेंस हो जाएगा, आप अच्छे से लगे रहिए और प्री के रिजल्ट के इंतजार में कतई मत रहिए कि आएगा रिजल्ट देखेंगे उसके बाद मेंस की तैयारी में लगेंगे। जो लोग आश्वस्त हैं वो तो तैयारी में लगे ही रहें, और जो कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं वो लोग भी तैयारी में लगे रहें और अच्छे से मेंस की तैयारी करें। आप लोगों का सितंबर में मेंस हो जाएगा, तो निश्चिंत रहें। यही दो अपडेट आप लोगों को बताना था यूपीपीसीएस से। यूपीपीसीएस का रिजल्ट जल्दी ही आएगा, जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। तो ये रही अभी की लेटेस्ट अपडेट, और ऐसी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।